हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मिसेस कोहली की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से वेज समोसा। जी हाँ, आपने आलू के समोसे तो काफ़ी खाए होंगे, लेकिन आपने वेज समोसा कभी नहीं खाया होगा। तो इसे हम अपने घर पर आसानी से किस तरह से बना सकते हैं, आइए देख लेते हैं। और खाने में ये इतने टेस्टी होते हैं कि आप आलू के समोसे भूल जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने एक कप के करीब लिया है गेहूँ का आटा। साथ में ही मैं मिक्स करूंगी आधा कप के करीब इसमें बारीक वाली सूजी। अगर आप मोटी सूजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे मिक्सी में चलाकर महीन कर लीजिए। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। साथ में ही बढ़िया फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन। 1/4 टीस्पून के करीब मैंने अजवाइन ली है। थोड़ा सा हाथों से इसे क्रश कर लेंगे और इसमें डाल देंगे, जिससे इसका फ्लेवर काफ़ी बढ़ जाएगा। मोइन के लिए डालेंगे हम इसमें ऑयल। तो 3 बड़े चम्मच के करीब मैंने ऑयल लिया है। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मसलते हुए इसे हमें आटे में मिक्स करना है, ताकि जो ऑयल है वो आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है इसे। और इसकी अब ये देखिए मुट्ठी बनने लग गई है। इसका मतलब जो हमने मोइन डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट मात्रा में हमने इसमें डाला है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम गुनगुने पानी से इसका डो तैयार करेंगे। तो पानी को गुनगुना कर लेना चाहिए जब भी हम सूजी और आटे का डो तैयार कर रहे हों। और जो डो हमने तैयार करना है वो बिल्कुल सख्त तैयार करना है, सॉफ्ट डो हमें समोसे के लिए नहीं चाहिए होता। तो ये देखिए, डो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है और आप देख ही रहे हैं कि कितना सख्त डो हमने तैयार किया है। इसी तरह का डो हमें चाहिए समोसे बनाने के लिए, तभी हमारे जो समोसे हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। तो इसे रख देते हैं साइड पर सेट होने के लिए और अब हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दी है और डाल देंगे इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा मैं इसमें डाल दूंगी सरसों के दाने 1/2 चम्मच के करीब। हल्का से इसे क्रैकल होने देते हैं। ये देखिए हो चुका है। अब मैं डालूंगी 1/2 चम्मच के करीब ही इसमें जीरा। साथ में ही मैं डाल दूंगी कड़ी पत्ते। मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह से, ताकि ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं ऑयल में। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इससे समोसे में। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटी हुई हरी मिर्च। ये मैंने 3 हरी मिर्च ली है, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और 1 प्याज मैंने इसमें डाल दिया है। इसे भी चलाते हुए भून लेते हैं। 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे प्याज को भूनेंगे इसमें ऑयल में। कलर इसका चेंज नहीं होने देंगे हम। ये देखिए, अब मैं इसमें डाल दूंगी हींग। हींग से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और प्याज हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं जितने हमें चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे वेजीज। तो वेजीज में सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ चॉप की हुई गाजर। ये 1/2 कप के करीब मैंने ली है। इसे भी इसमें मिक्स कर देते हैं। आलू के समोसे तो आपने बहुत खाए हैं, लेकिन आपने वेजीज समोसा नहीं खाया तो आप इसे एक बार अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिए। साथ में ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटी हुई शिमला मिर्च, जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी मटर। फ्रेश मटर है बिल्कुल, आप फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। उससे पहले मैं इसमें डालूंगी नमक। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेंगे और फिर एक बार मिक्स करेंगे। और कवर करके इसे मैं कम से कम 2 से 3 मिनट पकने दूंगी। ये देखिए, 3 मिनट पूरे हो चुके हैं और सब्जियां हमारी हाफ कुक हो चुकी हैं। इससे ज़्यादा हमें और कुक नहीं करना है, थोड़ा क्रंची फ्लेवर ही हम इसका रखेंगे।
और अब मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ मसाले, देख लेते हैं। तो मसालों में मैंने लिया है 1 चम्मच के करीब टर्मरिक पाउडर, 1 चम्मच ही मैं ले रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच मैंने लिया है भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 चम्मच मैंने लिया है आमचूर पाउडर और 1 चम्मच ही मैं ले रही हूँ गरम मसाला, 2 चम्मच के करीब मैंने लिया है धनिया पाउडर। तो ये सभी मसाले जाएंगे इसमें और मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह से। और फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दी है ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और फ्रेंड्स अब हम डालेंगे इसमें आलू। समोसे हो और आलू ना हो ये हो नहीं सकता। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं उबले हुए आलू। ये मैंने 3 आलू लिए हैं जिसे मैंने मैश कर लिया है बॉईल करके, और मिक्स करेंगे इन सभी चीज़ों में आलू को। तो ये देखिए आलू मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं सभी सब्जियों में, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है ये देखिए। और फ्रेंड्स इसे भी मैं 1 मिनट के लिए और पकाऊंगी आलू को। तो आलू हमारी जो है बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुके हैं, स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें डालूंगी काफी सारा हरा धनिया, मिक्स कर देते हैं इसे। और स्टफिंग तो हमारी हो गई है बिल्कुल तैयार, इसे हम होने देते हैं ठंडा और देख लेते हैं कि आटे का क्या हाल है। तो आटा भी हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है ये देखिए, और इसे अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे। तो जितनी बड़े समोसे हमें चाहिए उसके हिसाब से हम लोइयां तोड़ लेंगे। ये देखिए सभी लोइयां मैंने तोड़ ली हैं और अब इसका पेड़े बनाकर बेलना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बेलेंगे, थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया है ताकि हाथों पे चिपके नहीं। और इसे रोटी का आकार देंगे। ये देखिए हमने बेल कर तैयार कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका सेंटर से कट लगाएंगे इस तरह से। तो एक पीस को उठाएंगे और ये देखिए इसकी मोटाई देख लीजिए आप कि कितनी रखी है मैंने। और फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, जहाँ से हमने कट लगाया है ना उस साइड पर हम लगाएंगे पानी। इस तरह से हम पानी लगा देंगे और दोनों कॉर्नर्स को हम जोड़ेंगे ये देखिए इस तरह से। एक को अंदर की तरफ टर्न करेंगे और दूसरा उसके ऊपर इस तरह से जोड़ देंगे ये देखिए। और इसे अच्छी तरह से हमें दबाते हुए जोड़ना है ताकि ये खुले नहीं बिल्कुल भी। बहुत अच्छी तरह से इसके प्रेस करते हुए इसको बिल्कुल दबाते हुए इसको अच्छी तरह से जोड़ देंगे और ये बिल्कुल पॉकेट की तरह बन जाएगा, एक कोन की तरह बन जाएगा ये देखिए इस तरह से। और अब हम भरेंगे इसमें स्टफिंग। ये देखिए इस तरह से स्टफिंग भर देंगे जो हमने वेज स्टफिंग तैयार की है दबाते हुए अच्छी तरह से। और फ्रेंड्स अब इसके ऊपर की साइड जो है पानी लगाएंगे इस तरह से, चारों तरफ पानी लगा देंगे और पीछे से इस तरह से थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे इसको, दबाएंगे और इसको साथ जोड़ देंगे। और बहुत अच्छी तरह से इसको प्रेस करना है हमें, दबाकर अच्छी तरह से बंद करना है ताकि जो हमारे समोसा है वो ओपन ना हो। ऑयल में जाते ही अगर ओपन हो गया तो ऑयल सारा ख़राब हो जाएगा। और बहुत अच्छी तरह से इसको हमने बंद करना है, सील करना है। तो ये समोसा तो तैयार है, अब दूसरा भी एक बार आपको और दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए जहाँ से हमने कट लगाया है उस साइड पर हम लगाएंगे पानी और एक तरफ से उठाकर उसको करेंगे इस साइड और दूसरा उसके ऊपर इस तरह से रखकर बंद करेंगे ये देखिए।
इस तरह से दबा देंगे अच्छी तरह से ताकि ये ओपन ना हो बिल्कुल भी। ये हमारा कोन बन गया, पॉकेट बन चुकी है ये देखिए। और अब हम इसमें भरेंगे स्टफिंग। आप यकीन मानिए ये समोसे इतने बढ़िया फ्लेवर वाले बनते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। आलू के समोसे से भी बढ़िया फ्लेवर इसका जो वेज समोसा बनता है, खाने में बहुत ही टेस्टी। तो इस तरह से ऊपर साइड पे सारा पानी लगा लेंगे और हल्का सा इसको इस तरह से घुमाकर बंद करेंगे। ये देखिए बहुत ही इजी है इसे बनाना, है मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दूसरा समोसा भी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। और फ्रेंड्स इसी तरह से मैं बाकी के समोसे भी बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए बाकी के समोसे मैंने बना लिए हैं। ऑयल मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, तो फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है और फ्लेम मैंने मीडियम से लो कर दी है। तो अब डाल देंगे इसमें सभी समोसे और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे हम फ्राई करेंगे, तभी हमारे जो समोसे हैं वो अच्छे बढ़िया क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो मैं डाल दूंगी इसमें सभी समोसे। तो ये देखिए हल्का हल्का कलर इसका चेंज होना स्टार्ट हो गया है और इसी तरह उलटते पलटते इसको हम फ्राई करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स समोसे हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया कलर इसमें आ चुका है। ये देखिए अभी बाहर निकालेंगे तब भी इसमें हीट होती है, तो ये तब भी इसका कलर थोड़ा सा और डार्क होगा इसका। तो सभी समोसे मैं बाहर निकाल लूँगी और दूसरा बैच इसमें डाल देंगे। और देखिए एक भी समोसा इसमें ओपन नहीं हुआ, ऑयल हमारा बिल्कुल क्लीन है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसे बंद किया है। तो दूसरा बैच भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया समोसे हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग, कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है और खुशबू भी बहुत आ रही है। तो ये देखिए आप इसे सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। देखिए ये समोसे इतने प्यारे लग रहे हैं देखने में, कोई भी नहीं कह सकता कि ये गेहूं के आटे के समोसे हैं जो खाने में इतने बढ़िया बने हैं और वेज समोसे हैं। आप इसे अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। और मैं आपको एक समोसा तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया समोसे हमारे बने हैं और कितनी अच्छी स्टफिंग हमारी तैयार हुई है वेज समोसे के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।